मैं जानती हूँ मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास मुझे ठुकराने के लिए बहुत सारी वजह है, मुझसे नफरत करने के बहुत सारे कारण है, पर इस सब के बावजूद आई लव यू। इसलिए कि विक्रांत वापस आ गया। बहुत बोल रही तुम। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पुरानी दुनिया से कोई भी सांप सपोला कोई भी लौट के है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं किसी से नहीं जलता हूं मिला, मैं लिटरली मर रहा था तुम्हारे मुझे सब कुछ सुनने के लिए, तुम्हें पता है। मैं सुनना चाहता था मेरा, मैं जानता हूँ ऑब्वियस, मैं जानता हूँ हमारा वो विश और विक्रांत सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी बेला आज एक बार फिर से कहना चाहता हूँ। आई लव यू बेला। देखो बेलो मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हम इंसान भी जन्मों के लिए प्यार करते हैं, फिर सामने वाला चाहे इंसान हो या नागिन। बेला अब मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, याद रखना। वैसे तुमने आज काफी दिल खोलकर अपनी बात कही है। मुझसे किसी ने कहा था कि प्यार में कभी कभी पहला कदम खुद को बढ़ाना पड़ता है, मैं तो बस उसके कहे पे चल रही थी। चल रही हो, अच्छा है। वैसे आगे बढ़ने का क्या इरादा है? I like where it is going. And I know where it should go. There. Vishakha ne arrange kiya hai. I'm sure it's a safe spot. So, Agra ke liye, huh? Really? Bilkul bhi. Vish aur Vikrant hume bachane ke liye aa rahe hain. Subah unse baat karenge, abhi chaliye.
विशाखा, हमारा प्लान ये आधा ही कामयाब हुआ है। मेरे पीछे अब भी एक नाक है। और एक गिद्ध, इसका मतलब बाकी जरूर तुम्हारे पीछे होंगे, तो होशियार रहना। यू राइट, सही कह रहे हो तुम। एक नाग मेरे पीछे भी है एंड मुझे लगता है कि वो नाग रोहिणी का है। मैं होशियार रहूंगी एंड वैसे भी इन्हें पता नहीं है कि मुझे पता है कि ये मेरे पीछे है। तुम रिलैक्स करो। हाँ, यहां भी यही हाल है, इसलिए अब हमारे प्लान बी का वक्त आ गया है। डन, तो चलो थोड़ी कसरत करवाते हैं इनसे, इस जंगल को भूल भुलैया बनाते हैं। ऑल द बेस्ट। ये तो लॉक है। एक मिनट, यहां भी कोई चाबी रखता है? कितना आसान है। जो चीजें आसान होती है ना, उन्हीं से मुश्किल होती है, क्योंकि कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं। हाँ, इंप्रेसिव। और भी बहुत सारी चीजें मुझसे इंप्रेस होने की। तुम्हारे नागिन बनने से भी ज्यादा बड़ी। वैसे बेला, मैं क्या सोच रहा था, इफ इन केस हमारी लड़ाई मतलब बाय चांस कभी हमारी लड़ाई हो ही जाती है, तो मुझे तो चुप होना पड़ेगा। क्यों? नहीं, तुमने डस लिया तो। अरे अरे अरे, सच में मत डस लेना। अब वैसे डस भी लो तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, आई डोंट माइंड दैट सो मच। इतना रोमांटिक है ना बेला, हम जंगल में खतरों से बचते बचाते, लड़ते लड़ाते, भागते दौड़ते फार्म हाउस में आ जाते। How romantic. Let's make it more romantic. Wait. Okay. Not bad. हमारे स्वागत की बहुत अच्छे से तैयारियां हो रखी है। Never mind. I really need to freshen up. बाथरूम कहाँ होगा? मैं देखता हूँ। बेला, यहां पे वॉशरूम। पहले मैं। क्या बेला, पहले मैं। ओके, तुम तो नाराजी हो गई, क्या हुआ बेला? नहीं, आपको नहाना है ना पहले। हाँ, तो नहा लीजिए। बम, किसने रोका? अरे नहीं नहीं, अब पता चलेगा बीवी से पंगा लो तो क्या होता है। बहुत नहाना है आपको, अब तुम्हें पता चलेगा कि पति से पंगा लेना क्या होता है। क्या कर रहे हो आप भाई जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सही कर रहा हूं, तुमने मेरे साथ किया। सॉरी सॉरी बेला। हाउ कैन यू, सॉरी। नाटक नाटक कर लो, अच्छा तुम अपनी मनमानी। ऐसा नहीं करना चाहिए माहिर जी आपको। पूरा गीला कर दिया बेला तुमने। ऐसा कौन करता है? मैं पहले आई थी ना बाथरूम में नहाने के लिए। तुम्हें लगी कहाँ, पहले ये दिखाओ बेला। क्या कर रहे हैं आप? क्या माहिर जी, इतनी जल्दी फिसल जाते हैं आप? ये फिसलना नहीं बेटा, ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी? ओह, ये क्या हुआ? मैंने उंगली को क्या हुआ बेला?
ओ शिट कट गई। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं पता गिरने के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होती है। भैया प्यार की स्ट्रैटेजी है। बेला आई लव यू। अरे वाह, अरे यहाँ जो क्रिसमस पे आया था उसके पास डेकोरेशन करने के लिए भी टाइम नहीं था। ये यहाँ पे तो कैंडल्स वैंडल्स सब कुछ है। बेला तुम्हें तो टाइम लगेगा ना, तुम आराम से टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हाँ मुझे ये सब धोना पड़ेगा, टाइम लगेगा मुझे। ठीक है परफेक्ट, कोई बात नहीं, आराम से ना। हाँ beautiful. Yes, it is. Just breathtaking. One second. ये थोड़ा short है. Short है? नहीं लॉन्ग है, आई थिंक थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए था। अरे वाह, ये आपने आग जलाई? हाँ जी, वो आपकी वाली टेक्निक यूज करके, वो जैसे आपने सिखाया था ना दो पत्थर से आग लगाना, वैसे अब आग लगी गई है तो हाथ भी सीख लो। आई लव यू माहिर जी। एक्चुअली प्रॉब्लम है, खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन पीने का इंतजाम कर लिया। मैम एक सेकंड में।
ये चाय नहीं है, ब्रांडी है। Eat it. Cheers. Cheers. बहुत है ना आपको पता माहिर जी, कैसे जैसे यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, ये फायरप्लेस, ये सब, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं पहाड़ों पे, बस स्नोफॉल की कमी है। डीडीएलजे के शाहरुख और काजोल वाली फीलिंग नहीं आ रही? ये क्या है? ये वो है, स्नो मशीन। अरे तुम्हें स्नो ही तो चाहिए था, लो आ गया। चाहिए था ना? This is so perfect. मैं आज कुछ और भी मांगती ना, वो भी मिल जाता। तो मांग लो, मिल जाएगा। आप, honestly, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा से ऐसे रहना चाहती थी, चादर में। नो, बट आई डोंट माइंड। अगर आप मेरे साथ हैं तो ऐसे भी चलेगा, और अगर मैं नहीं रहा तो? आखिर ये जा कहां रही है अलेक? मुझे क्या पता, जंगल से निकली थी, मुझे लगा बेला और माहिर के पास जा रही होगी, पर ये तो चलती चली जा रही है। आखिर वो दोनों छुपे कहाँ होंगे?
मुझे क्या पता ट्रक में चली जाएगी ऐसे। आलेख, I just can't believe this। तुम भी रोहिणी जितने बेवकूफ निकले। सच में कमाल हो तुम, मान गया तुम्हें। तुमने तो बड़ी आसानी से लोगों से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ये लोग तो अब भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो तुम भी जल्दी छुटकारा पाओ ना उसे, पर देख लो, मैंने कहा था ना मैं ये काम तुमसे पहले कर लूंगी, जीत जाऊंगी, आखिर जीत ही गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हटाइए हाथ, कैसे उठूंगी? तो मुझे घूरना बंद कब करोगी? क्या करूं, मेरा हस्बैंड तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझे ही उसे घूरना पड़ता है। अच्छा। तो ये लो, नाउ आई एम लुकिंग एट यू। वैसे एक बात बताऊं, तुम नहीं सुधरी। क्या हुआ? सारी रात तुमने इतने गज वज के खराटे लिए ना। झूठ झूठ झूठ, यू आर लाइंग। नो, नॉट लाइंग, यू आर लाइंग। नो 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 नो। बेला, बेला, आई लव यू। क्या कर रहे हैं माहिर जी? रुकिए, मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा अपने आप। माचिस नहीं मिल रही यार। माचिस माचिस माचिस। वो यही थी। ओह, माचिस यहाँ रखी हुई थी। मैं कितना परेशान हुआ, कल पत्थर ढूंढ रहा था आग जलाने के लिए, जैसे तुमने मुझे सिखाया था ना जलाना वहां पे, वैसे जलाई मैंने आग। बताओ, माचिस होती तो। पागल हूं ना मैं भी? कोई बात नहीं, कमाल है। देखो, पुरानी माचिस है ना, जलती भी नहीं इजीली। मैं माचिस क्या जला रहा हूँ, हमारे पास खाने के लिए क्या? विशाखा ने कुछ तो रखा होगा। रुको, ले ये है ना। खाने को ही कुछ नहीं, खाली फ्रिज पड़ा। वाह, अरे ये लीजिए, अब आप बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे लेकिन जाना कहाँ है? माही जी, वो कहा था ना एक अधूरा काम है जिसे पूरा करना है, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगी। एक मिनट, यू श्योर? माही जी, मैं अपनी लाइफ में इससे पहले इतनी श्योर कभी नहीं थी। विशाखा भी बस आने वाली होगी, लेकिन मैं उसके पहुंचने से पहले ही आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए। सुन, अब क्या हुआ? कुछ कहने का दिल कर गया। क्या? आई लव यू। माहिर जी, ये बात अब बहुत बार कह चुके हैं, और ये बात कहने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। कल भी तुमने मेरे आई लव यू का जवाब थैंक यू दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ये नहीं चलेगा। मैं, मुझे धमकी की बू क्यों आ रही है? हाँ है धमकी। मैं, तुमने अगर आई लव यू नहीं बोला तो मैं कहीं चला जाऊंगा। अच्छा? हाँ चला जाऊंगा, और बहुत दूर चला जाऊंगा, और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, तुम देख ले। अच्छा? हाँ जी, आई एम वेरी सीरियस। रियली? ओके यार, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अरे यार, आई लव यू बोलने में क्या जाता है बेला? देखो, तुम बहुत पछताओगी। बेला प्लीज से यू लव मी। ओके फाइन, आई लव
नहीं। मिस्टर माहिर सहगल, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ढूंढ लूंगी तुम्हें। लेकिन फिर भी आई लव यू नहीं कहूंगी। नहीं, ठीक है फाइन, मत बोलो आई लव यू, बाद में देख लेना, आई एम सॉरी कहना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। आई लव यू। सुमित्रा और उसके साथियों को चकमा दे दिया है, अब मैं कॉटेज के पास हूँ, यहाँ से बेला और माहिर को। मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही होंगी, इसलिए मैं आ गई तुम्हारे पास। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें, तुमने इतना अच्छा, इतना फूल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन फ्लॉप हो गया। मानना पड़ेगा विशाखा, क्या प्लान था तुम्हारा, हमें गोल गोल घुमाना, चकमा देना, रास्ता भुलाना, लेकिन देखो रास्ता ढूंढ के मैं तुम्हारे पास आ ही गई ना। और मुझे पूरा यकीन है कि विक्रांत भी जरूर कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। After all, बेटा किसका है? माँ का कुछ तो असर होगा ही ना उस पे। लेकिन तुम दोनों एक छोटी सी बात भूल गए, और वो ये कि विक्रांत मेरे आगे अब भी बच्चा है, माँ हूं मैं उसकी, इसलिए जहां तक उसकी सोच नहीं पहुंचती ना, वहां मैं पहुंच जाती हूं। इसलिए देखो आ गई तुम्हारे पास। वैसे कहना पड़ेगा विशाखा, क्या एक्शन सीन किया था तुमने, सीधा लबक के ट्रक के ऊपर चढ़ गई। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, ये तो देख लेती कि ट्रक कौन चला रहा है। ट्रक चलाने वाला मेरा आदमी था, उसने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया और वैसे ही मुझे इत्तला कर दी, और मैं तुम तक पहुंच गई। चलो देखो क्या करोगी तुम विशाखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नीलकंठाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। हे भगवान भोलेनाथ, आप शिव हैं, आप शक्ति, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड आपसे है, हम सब भी आप ही का अंश, जो आप में से आते हैं और आप में ही समा जाते हैं। आज मैं आपके पास एक विनती लेकर आई, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ लौटाना है, आपकी अपनी अमानत जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी, नागमणि। भोलेनाथ, मैं जिस नई दुनिया में कदम रखने जा रही हूँ, जिस नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ, वहां मुझे इस नागमणि की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो आपके आशीर्वाद की, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे और माहिर दोनों को सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु।
मानना पड़ेगा तुम्हारी उस दोस्त बेला को कि मैं उससे ताकत में ही नहीं दिमाग में भी बहुत ज्यादा आगे। ऐसे छुपे कहाँ हैं वो दोनों? वहां उस बिल में। सो रोमांटिक, हम तुम एक कमरे में बंद हो। या यहां वहां क्या देखते हो? किसी का इंतजार है? तुम्हें लगता है कोई आएगा तुम्हारे लिए? अरे लगता है मेरा बेटा विक्रांत आ गया। ये तो विक्रांत नहीं है, ये तो मेरा दूसरा बेटा, या कहा जाए तो मेरा इकलौता अकलमंद बेटा युवराज। दौड़ाया इसने हमें, आखिर आ ही गई हमारे हाथ में। आलेख, इस तरह से बात करते हैं घर की बहू से? ऐसे नहीं कहते। देखो एक काम करते, इसने जितना सताया ना तुम्हें, हम सब मिलके उसे उससे भी ज्यादा सताएंगे, तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? चलो तो फिर विशाखा, इट्स नागमणि टाइम। चलो भाई सारे, ऐसी एक पुचकार दूसरी वाली बहू रानी को भी तो देनी है। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं ये आपका आशीर्वाद ही है। आपने दे दिया मुझे आशीर्वाद, मतलब आप मेरे इस फैसले में मेरे साथ हैं। आपने मुझे अपनी मंजूरी दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। आज तक मेरे वंशज आपके साथ, आपके सामने अपनी हार जीत, अपना दुख सुख सब कुछ बांटते आए हैं, और वो आपके सामने नाचकर आपको अपने दिल का हाल बताते हैं। आज मैं भी यही करने वाली हूं। नाग नागिनों के इस पवित्र भूमि को छोड़ने से पहले इस नाग लोक पे आखिरी बार मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं।
जिसकी बाजुओं में तुम हो उसकी तो जीत ही जीत है। बेला, बेला मैं नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ ऐसा, छोड़ो मुझे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। धन्यवाद भोलेनाथ, मेरे और माहिर के रिश्ते को अपनी मंजूरी देने के लिए। ओम नमः शिवाय। ला 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 ला, हे 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 हे। माहिर रान, बाहर भागो, बाहर जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग माहिर बेटा, कैसे हो तुम? हाय, अपना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता है तुम्हें। क्यों, कहाँ है वो तुम्हारी प्यारी बीवी, कहीं चली गई क्या? मैं आ रही हूँ माहिर जी, आपको लेने, और फिर हम अपनी एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। और अब तो हमारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। बताओ ना, कहाँ है तुम्हारी प्यारी बेला? आपको सच में ऐसा लगता है कि आप पूछेंगे और मैं आपको बता दूंगा? ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है, मैं पूछूंगी और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। शायद तुम जानते नहीं बेटा मैं कौन हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आप कौन हो, आप जो भी हो, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। दुनिया तो बिल्कुल सच ही है, शादी करने के बाद बेटे बदल जाते हैं, माँ की कोई अहमियत ही नहीं, बीवी के बारे में ही सोचते। और माँ, माँ तो नहीं बदलती ना, माँ तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचती है। माँ के मन से बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलता है, प्यार निकलता है, आपके मन से बच्चों के लिए नफरत निकलती है। एक पत्थर के लिए आपने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा, आपको नागमणि चाहिए। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती, कैसे कैसे कर रही है आप ये सब? I'm so sorry, माँ। लेकिन वो बात मैं तुझे नहीं बता सकती, वो मेरी ट्रिक है। बेटा तू समझ नहीं सकता नागमणि की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, मैं कितना प्यार करती हूँ नागमणि से। इसीलिए ना बेटा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे बता दे कि नागमणि कहाँ है, उसकी अहमियत तो नहीं समझेगा। Right, you're damn right. बाहर! बाहर रान! मैं नहीं समझ सकता आप जैसी घटिया। लो! विशाखा! ना मेरे लाल, तू कुछ समझे ना समझे इस विशाखा की हालत देखकर ये जरूर समझ गया होगा क्या चक्कर मुझे नागमणि नहीं मिली ना, तो यहाँ से तो जिंदा कोई नहीं जाने वाला। इसलिए बता दे, बता मुझे नागमणि कहाँ है। आपको जो करना कर लो, नहीं बताऊंगा। आपकी खुद से वो कोसों दूर है जहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकी ना वहां पे नागमणि। अच्छा क्या, ये तो इस बेचारे विश को भी लगा था कि आप यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे, मगर देखो।
आप तो पहुंच भी गए। यही तो ये लोग समझ नहीं पा रहे बेटा कि हमारी सोच इनकी सोच से कहीं आगे है। पर अब तो मुझे भी लगने लगा कि नाक बड़ी कहीं हो ना हो लेकिन इस घर के अंदर ही कहीं ना कहीं जरूर। तो तुम्हें क्या लगता है अलीक वो उड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी? नहीं ना तो जाओ जाकर ढूंढो कहां है नाक मणि। युवराज तुम भी जाओ संभालो इसे, ढूंढ लो जिसको जहां ढूंढना ढूंढ लो, नहीं मिलेगी किसी को नाक मणि। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा माहिर, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाऊंगी। क्यों ना आज तेरी जान ही ले लूं मैं। तो फिर ठीक है, तैयार हूँ मैं, ले लीजिए मेरी जान। और याद रखिएगा आपकी हार के लिए बेला तैयार है, और वैसे भी हार तो आप चुकी हैं बेला से। मॉम नागमणी नहीं है यहाँ पर। मित्रा जो ही सही कह रहा है, हमने इस घर का एक एक कोना छान मारा लेकिन नागमणी कहीं नहीं मिली। तुम लोगों की यही जिद है ना तो यही सही। मैंने कहा था ना माहिर, आज अगर नागमणी नहीं मिली तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तेरी जान लेकर जाऊंगी। तो अब देख मैं अपना कहा कैसे पूरा करती हूं। तुम्हारा बेटा क्या तुम्हें उसकी जरा सी भी परवाह नहीं? मत करो उसके साथ ऐसा, रुक जाओ। परवाह है ना? है विशाखा, जानती हो कितनी परवाह है? इतनी सी। नो विशाखा, देख लड़के तू जानता नहीं मुझे, इच्छाधारी नागिन हूं मैं, और अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो किस हद तक जा सकती हूँ वो तू जानता नहीं। जान अगर प्यारी है तो बता, बता कहाँ है नागमणि? नहीं बताऊंगा, जो करना कर लो। कौन है सुमित्रा? तुम नरकी आग में जलोगी, फिर करके मरोगी तुम। मैं जानती थी विशाखा कि अगर तुम बच गई हो आज तक तो कोई तो वजह होगी। देखो ना तुमने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। नरक की आग, सब कुछ चलेगा, आज सब कुछ चल के राख हो जाएगा। छोड़ दो माहिर को। माँ और ममता का बड़ा भाषण दे रहा था ना मेरे लाल, देख यही है मेरी ममता, तेरी नागिन माँ की तेरे लिए ममता। माहिर पता कहाँ है नागमणि? ये सिंदूर, ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद था, ये ऐसे बिखर गया, ये तो अपशगुन है। नहीं माहिर जी, माहिर जी कुछ नहीं हुआ उन्हें, क्यों बुरा सोच रही हो? कुछ नहीं होगा उन्हें। बहुत बुरा होने वाला है तेरे साथ अब माहिर। माहिर बंद करो इसका, युवराज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है। वैसे ये विशाखा क्या कह रही थी कुछ देर पहले? जल के मरूंगी, नरक की आग में जलूंगी। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि नागमणि की मालकिन के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नागमणि आपके हाथ कभी नहीं आएगी। अच्छा, बड़ी डायलॉग बाजी करना सिखा दिया है तेरी इस बेला ने तुझे।
वैसे एक सवाल पूछती हूँ माहिर, जवाब देना। वो क्या चीज है जिसे ना हवा उड़ा सकती है, ना पानी डुबा सकती है, ना आग जला सकती है? वैसे आग ना मेरा सबसे फेवरेट एलिमेंट है, लेकिन इस वक्त मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, बोलो बताओ। नागमंड। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे मेरा फेवरेट एलिमेंट यानी कि आग जला के भस्म कर सकती है, पूरी तरह से जला सकती है। बोलो बोलो क्या है वो? ज्यादा मुश्किल नहीं है उसका अंदाजा लगाना। छोड़ दो माहिर को। बिल्कुल सही विशाखा, तुम सही समझी। देखो माहिर, विशाखा को भी पता चल गया, वो भी जानती है कि सही जवाब क्या है, और इस वक्त मैं किसे जला के स्वाहा करने वाली हूँ। तमाशा देखो विशाखा। वैसे युवराज, शुद्धि तो पूरे घर की होनी चाहिए ना, तो ये शुभ काम तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते बेटा? You are right, mom. पकड़ो इसे। क्या हुआ मेरे लाल, यकीन नहीं हो रहा? बेवकूफी कर रही हैं आप। अगर मैं चला तो आपकी चिता भी जल जाए। किसकी चिता जलेगी ये तो आज देखते हैं। सुमित्रा, सुमित्रा बंद करो ऐसा। चलो तो फिर सारे मिलके बोल ही दें। स्वाहा। गुड बाय माहिर। ले चलो इसे। चलो।